Welcome to Parshas Vlogs. आज हम एक बहुत different video बनाने लगे. Basically, we were going through our old pictures and अनम को एक idea आया कि क्यों ना एक video बनाई जाए जिसमें हम अपनी पुरानी यादें ताजा करें. So अनम, कौन-कौन सी pictures हैं? ऐसे थोड़ी एक-एक करके बताऊंगी. By the way, आपके लिए बहुत बड़ा surprise है एक. क्योंकि babies तो कभी हम भी थे. So watch till the end. So the first picture we're gonna recreate is this. Okay, so kids, here's the picture. ठीक है. So ये expressions देख लें आप लोगों ने क्या क्या देने. वाकई आयला ये expression नहीं है, आप देख लें. आपने इस तरह बनना है भैया, आपने अपना expression देख लिया. ठीक है. Okay, so let's try this one. अच्छा, that's the closest we could get. शलवार कमीज नहीं थी आयान की मरून, सो हमने जीन्स एंड शर्ट से काम चलाया. वैसे अनम, दिस इज क्वाइट क्लोज, मैं भी ऐसे करके देख रहा हूँ ना, काफी क्लोज. और आयला का भी फ्लोरल गुजारा चल जाएगा. तो चले, बस अब हमने कैमरा एंगल्स वगैरह को सबको देखना, राइट? यू एक्चुअली गॉट द सेम बेड शीट एज वेल. यस. ये सबसे पहली पिक्चर है ना, क्या ख्याल है? परफेक्ट. कपड़े तो मैंने बहुत अच्छे पहनाए हैं. लेकिन साफ ही पता चल रहा है ना कि बच्चा बेहद शरारती था और अब जरा डिसेंट हो गया. सर, व्हाट्स योर टेक? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है. आयला बता, आपका ये एक्सप्रेशन, आप आयला का एक्सप्रेशन बहुत क्यूट है ना, और आयला की छोटी सी स्माइल नजर आ रही है. यू लाइक इट? चलो जाए लाल. ओके. अच्छा जी, वन पिक्चर डाउन, एट टू गो. हियर इज द नेक्स्ट वन. राइट, इस पिक्चर में आयान इज प्रोबेबली अराउंड 6-7 months है ना, 6-7 months ओल्ड. और मैं जो है, मेरा ख्याल है कुछ पी के टोन हुआ हूँ. अच्छा, इस तस्वीर के लिए मैंने कुछ चीजें अंदर से निकाली है. मेरे पास वो वाली बेडशीट तो नहीं थी, बट जो लाइट कलर की अवेलेबल थी, बस तीनों कवर्स मुझे एग्जैक्टली सेम मिल गए. ठीक है. और ये लैम्प था, ये भी हमारे पास एज इट इज पड़ा है. और ये मैंने मैट एंड टिश्यू. ओह माय गॉड, की प्लेसमेंट वेरी पर्टिकुलर मैन. सो लेट्स सी कैसी लगती है. स्मैश baby, tough drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going all crazy, and I won't be walking away, yeah, I'm a fool, yeah, I gone love blind. Aww, that's very nice, very nice. What? 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 That's my favorite. I love this one even more than this. Daddy, your eyes should have been a little bit more open. Actually, hair is a little बड़े हो गए ना, क्या करूँ. मेरी फेवरेट पेज, ये बहुत अच्छा है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट. We don't want to show your hair. ये वाली यार बड़ी मुश्किल थी, मेरी गर्दन में दर्द हो गई थी. क्योंकि आप अगर और से देखें तो इसके अंदर मुझे आगे झुकना पड़ रहा है.
and that was very tiresome. अच्छा, इस तस्वीर में हमने एग्जैक्टली यही वाला कॉस्ट्यूम यूज किया था, बट द थिंग इज कि आयान को छोटा हो चुका है. सो व्हाट वी डिड इज कि शर्ट के ऊपर हमने सिर्फ बाजू पे पहना दिया, एंड लकीली हमारे पास ये निंजा टर्टल डेस्क और स्कूटी सब अवेलेबल था. छोटे ये आयला के बचपन की ये सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट पिक्चर है. बड़ी क्लोज टू जानशु और आयला ने किए. इन अब तो मेरी इतनी खुबाबी बच्चू है, मेरी सजावटी सी गुब्बर है. बड़ा मुश्किल काम है यार ये तो. देखें छठी पिक्चर. आयला चले. आयान चले, आप पीछे बैठेंगे. ये बड़ी कूल पिक्चर है. आयान भी और आयला भी, आई वुड से कि आयला का वो जो हैरानगी वाला एक एक्सप्रेशन है, और आयान ने तो कमाल किया है. मतलब इवन वो जो एक है ना तो वन साइडेड स्माइल, वो भी एग्जैक्ट सेम दिया यार. ये बहुत अच्छी है. मेरा मुंह जरा और बेंड कर सकते नहीं यार, आप एक्चुअली उससे ज्यादा यंग लग रही हैं वैसे. ऑब्वियसली बेबी के बाद की पिक्चर है वो. ब्लॉग्स भी हमने स्कैटर किए हैं, अच्छी भी जल्दी से निकालनी थी. तो ऑल नॉलेज पर आप पीछे एक चीज और नोट कर लेते हैं, व्हाइट बोर्ड भी रखा. बहुत कहा है व्हाइट बोर्ड, चेक कर. ठीक
भी नहीं। अच्छा ऐसे ही करो और स्माइल करके देखें, आयान स्माइल करके देखें। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली आयान के लिए जरा मुश्किल हो गया था क्योंकि आयला बड़ी हो गई है, तो उस तरीके से सच मूवमेंट ये सीडी नहीं कर सकता था। Now it's time for the surprise picture. तो सरप्राइज ये है कि यूजुअली हस्बैंड्स एंड वाइफ्स की जो चाइल्डहुड पिक्चर्स होती हैं वो अकेले अकेले अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, बट हमारे केस में हमारी चाइल्डहुड पिक्चर्स भी एक साथ है। Because we're cousins. Lame. Okay, so this is the picture. इसमें ये अनम के बड़े भाई हैं और ये मेरे बड़े भाई हैं। सॉरी हम इनको तस्वीर से ओमिट कर देंगे, फोकस हम दोनों पे रहेगा। सो अनम ने काफी प्रिपरेशन की थी, यानी बताएं क्या क्या किया आपने भाई? इस तस्वीर में मैंने येलो पहना हुआ है तो येलो मेरे येलो हो गया, और ये एक टाई है जो कि मैं उस्मान की टाई से काम चलाऊंगी। अरे फ्रॉक के ऊपर टाई पहनी हुई थी, स्टाइल था। और उस्मान की ब्लू शॉर्ट्स तो हमने उसको ब्लू जीन्स से रिप्लेस कर लिया, और शर्ट व्हाइट मिल गई आराम से, सैंडल्स भी थी, और अभी जल्दी में मुझे कुछ गन नहीं मिल रही थी तो हमने इससे काम चला, क्योंकि आयान को गन्स रखने की इजाजत थी। सो फाइनली ये अनम का आइडिया था एंड अनम फाउंड दिस पिक्चर। जी बताएं। अच्छा ये पिक्चर एक्चुअली मुझे ये रिक्रिएटिंग का आइडिया ही तब आया था कि भाई हम लोगों की साथ में, वैसे तो बहुत ज्यादा चाइल्डहुड पिक्चर्स हैं लेकिन इस वक्त हमें यही अवेलेबल थी हमारे पास, तो हमने इसी से गुजारा किया। तो मुझे ये बहुत क्यूट आइडिया लगा कि बच्चों की भी बेबी पिक्चर्स हम वीडियो कर रहे हैं तो हम अपने भी बेबी पिक्चर वीडियो करें। बच्चों के साथ जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनको चेंज करवाना, इनको स्मूथ में लाना, तो मूड में लाना, हाँ स्पेशली की एंगल जो ज्यादा फोकस करना पड़ता है वो किस एंगल से मुझे चाहिए थी, तो वो भी जरा मुश्किल था, लेकिन मजा आया, ओवरऑल मजा आया। इफ यू लाइक द वीडियो आपने इसको शेयर करना है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सी यू लेटर, बाय। Like, comment, subscribe, and hit the bell right there.